हम कवर करने वाले हैं सिलेबस में से 10 ऐसे टॉपिक जहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। 10 दिन 10 टॉपिक। उसमें से जो पहला टॉपिक है वो है वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल डाइईन के लिए भी है, कार्बोनाइल के लिए है, पर हम डाइईन डिस्कस कर रहे हैं और उधर से सवाल बनेगा। अब जो वुडवर्ड फिशर रूल है वो उससे हम लैम्डा मैक्स निकालते हैं बेसिकली, और जो लैम्डा मैक्स होता है वो बेस वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट के बराबर होता है। अब आपको बताया जाएगा कि बेस वैल्यू क्या है और इंक्रीमेंट क्या है, एक बात। दूसरी बात जो होता है वुडवर्ड फिशर रूल आपका एक थ्योरेटिकल रूल है, मतलब एक थ्योरी दी गई है उसके बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास, आपको बेस वैल्यू जानने, सबसे पहले होते हैं आपके पास एसाइक्लिक डाइईन। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उससे आपके सवाल लगेंगे। एसाइक्लिक डाइईन, तो एसाइक्लिक डाइईन का मतलब क्या हुआ? डाइईन तो है, जैसे ये डाइईन तो है, लेकिन ये कैसा है, ये रिंग, ये आपका साइक्लिक सिस्टम में नहीं है, इसीलिए कैसा है, ओपन सिस्टम में है, तो इसीलिए इसे एसाइक्लिक डाइईन। इसकी जो वैल्यू, बेस वैल्यू होती है वो होती है आपकी 217 नैनोमीटर होती है। दूसरा आपका जो साइक्लिक डाइईन होता है, एक हो गया है एसाइक्लिक डाइईन और दूसरा हो गया है साइक्लिक डाइईन। साइक्लिक डाइईन दो तरीके के होते हैं, होमो एनुलर और हेटरो एनुलर। तो जब आपका होमो एनुलर पहले पढ़ते हैं, होमो एनुलर का मतलब क्या है कि आपके, जब आपके दोनों डबल बॉन्ड, जब आपके दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर होते हैं। देखो यहाँ पे दो रिंग हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर है, और क्या है, कंजुगेशन में। कंजुगेशन का मतलब एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक। तो इस तरीके की सिस्टम की जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 253 नैनोमीटर, इसकी बेस वैल्यू होती है। या फिर अगर आप देख लीजिए, कभी कभी होमो एनुलर ऐसा भी हो सकता है, होमो एनुलर कैसे भी हो सकता है, ये भी होमो एनुलर है। अब आप कहेंगे कि दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है, नहीं, दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में नहीं है। अगर जब भी डबल बॉन्ड आपका किस पे हो, ब्रिज में हो, मतलब दोनों डबल बॉन्ड दोनों रिंग के जॉइंट पे हो, उस समय आपका वो डबल बॉन्ड दोनों के लिए काम करता है। तो मतलब ये डबल बॉन्ड इसके लिए भी है, तो इसीलिए ये क्या है, होमो एनुलर, और इसके लिए बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 253 नैनोमीटर। दूसरा होता है आपके पास बी होता है हेट्रो एनुलर। क्या होता है, हेट्रो एनुलर। हेट्रो एनुलर का मतलब क्या हुआ, जब आपके दोनों के दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में हो। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यह इस वाली रिंग में ये डबल बॉन्ड किस में, एक रिंग में है, और ये डबल बॉन्ड अलग रिंग में है, ये क्या है, हेट्रो एनुलर है। इसके लिए बेस वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 215 नैनोमीटर होगी। अब तीसरी चीज जो होती है वो होती है मेरा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन अगला क्या होता है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन को समझने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको देखो, ये समझ गए हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का मतलब क्या है, दिखाता हूँ मैं उसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे आपके पास ये इस तरीके का सिस्टम है, एक इस तरीके का सिस्टम है, तो नहीं, इस तरीके का सिस्टम है अगर आपके पास ये और ये, तो देखिए ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, मतलब हेट्रो एनुलर होमो एनुलर तो हो गया ही है ये, लेकिन उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, कंजुगेशन को बढ़ा रहा है। ये तो कंजुगेटेड सिस्टम है ही, एक डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, लेकिन इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या कर रहा है, हो रहा है, कंजुगेशन बढ़ रहा है। अगर जिस डबल बॉन्ड की वजह से कंजुगेशन बढ़ेगा वो 30 का प्लस 30 का इंक्रीमेंट देगा। अगर मान लो कि और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन को कैसे समझेंगे, देखो मान लो आपके पास ये सिस्टम है, ये हो गया, ये तो ये हो गया है, फिर ये कहलाता है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। कैसा, देखिए होमो एनुलर हो गया ये दोनों, तो ये देखिए डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड हो गया है, तो इतना सिस्टम तो आपका कंजुगेशन में पहले था ही, लेकिन इसके बाद डबल बॉन्ड के बाद आपके पास क्या आ गया, फिर एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये कंजुगेशन को बढ़ा रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, तो एक पहला
पहला ये हो गया डबल बॉन्ड जो कंजुगेशन को बढ़ा रहा है, ये दूसरा डबल बॉन्ड है जो कंजुगेशन को बढ़ा रहा है। तो एक के लिए 30 का कंट्रीब्यूशन, तो दो के लिए कितने का कंट्रीब्यूशन, 60 का कंट्रीब्यूशन। मतलब जो भी बेस वैल्यू होगी जब भी ये आएगा उसमें आप कितने जोड़ देंगे, 60 जोड़ देंगे। तीसरी चीज होती है मेरे पास रिंग रेजिडू। देखो जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि होमो एनुलर क्या है, ट्रो एनुलर क्या है, रिंग रेजिडू क्या है, चौथी चीज है क्या, रिंग रेजिडू क्या है, रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू के लिए प्लस 5 का कंट्रीब्यूशन होता है इंक्रीमेंट के बतौर। तो रिंग रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, जरा ध्यान से देखेंगे रिंग रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिंग रेजिड्यू का मतलब होता है, ये देखिए डबल बॉन्ड हो गया फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड हो गया। अब रिंग रेजिड्यू का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड के बाद वाला वो सिंगल बॉन्ड जिसको ब्रोक करने, जिसको तोड़ने पे आपको एसाइक्लिक सिस्टम मिल जाए। अगर आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ें, इस डबल बॉन्ड को तोड़ें और इस डबल बॉन्ड को तोड़ें, तो आपको कैसे, देखो अगर मैं इसको तोड़ूँ, ये और ये इसको तोड़ूं, तो मेरे को कैसे सिस्टम मिलेगा, एक एसाइक्लिक सिस्टम मिलेगा, एसाइक्लिक सिस्टम मिलेगा, तो उसको रिंग रेजिड्यू कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे फिर से देखो यहाँ पे रिंग रेजिड्यू कैसे निकालेंगे भाई, अगर ये सीख गए आप सवाल भी कर देंगे। देखिए डबल बॉन्ड के बाद वाला सिंगल बॉन्ड, ये जिसको तोड़ने पर आपको एसाइक्लिक सिस्टम मिल जाए, ये इन तीनों को अगर आप तोड़ेंगे तो देखो एक सिस्टम साइक्लिक हो जाएगा और दूसरा ऊपर वाला क्या है, एसाइक्लिक सिस्टम हो गया है, साइक्लिक और एसाइक्लिक सिस्टम हो गया है, ये रिंग रेजिड्यू कहलाता है। इसके लिए 5 का कंट्रीब्यूशन होता है। पांचवी चीज जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि वो डबल बॉन्ड जो, देखो जो रिंग से बाहर वाला डबल बॉन्ड जो होगा उसको वो एक्सोसाइक्लिक कहलाता है और वो प्लस 5 का कंट्रीब्यूशन देता है। ये डबल बॉन्ड है, रिंग है रिंग से बाहर का डबल बॉन्ड, या फिर आपके पास मैं दो रिंग बता रहा हूँ, जैसे एक रिंग दो रिंग, ये और ये इस तरीके का है। तो ये ए रिंग है, ये बी रिंग है। ए रिंग के लिए, ए के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग से बाहर है, तो उसके लिए 5 का कंट्रीब्यूशन। बी रिंग के लिए ए वो रिंग वाला जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, आपका एक्सोसाइक्लिक। तो टोटल कितने का टोटल कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, एक के लिए 5 का कंट्रीब्यूशन, दूसरे के लिए 5 का कंट्रीब्यूशन। अब मैं आपके साथ 5-7 सवाल डिस्कस करूंगा और उन सवालों को आपने कर दिया तो आप अब समझ जाएंगे। पहला जो सवाल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 1, आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है, कुछ इस तरीके का सिस्टम है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए लैम्डा मैक्स निकालनी है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बेस वैल्यू कितनी है, 215 नैनोमीटर, क्योंकि ये क्या है आपका, हेट्रो एनुलर है। हेट्रो क्यों है, देखो डबल, ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, ये डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है, और कंजुगेशन तो है ही, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, कंजुगेशन भी है। बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर हो गया। एक एक्सोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने, ये एक्सोसाइक्लिक है, कितने हैं, एक है, तो 1 × 5 एक एक्सोसाइक्लिक हो गया है। अब मेरे को रिंग रेजिड्यू देखनी है। रिंग रेजिड्यू का मतलब क्या बोला था, वो डबल बॉन्ड जिसको तोड़ने पे हमको कंजुगेशन मिल जाए। देखो डबल बॉन्ड ये रिंग है, अब देखिए डबल बॉन्ड कौन सा है, ये भी डबल बॉन्ड है। अगर इसके बाद डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड के बाद वाला सिंगल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड के बाद वाला सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए इस डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो कंजुगेशन खत्म हो जाएगा, इसीलिए मुझे इन दोनों को तोड़ना। मतलब क्या है, रिंग रेजिड्यू, ये रिंग रेजिड्यू नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रोक करूंगा तो पूरा ये डबल बॉन्ड अलग, ये डबल बॉन्ड अलग, कंजुगेशन ही खत्म हो जाएगा। तो रिंग रेजिड्यू कितनी है, 2। एक के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 5 का, तो 2 के लिए कितना होगा, 10 का, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 230 नैनोमीटर। इस तरीके का सवाल आएगा एक, या फिर दूसरा हो गया है मेरे पास 200। दूसरा सवाल, जैसे दूसरा सवाल है मेरे पास क्या, कुछ इस तरीके से है वो, इसमें करके देखना पड़ेगा हमको, यहाँ पे ये और ये, तो कुछ इस तरीके से है वो, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कैसा सिस्टम है, हेट्रो एनुलर है, तो बेस वैल्यू होगी मेरे पास 215 नैनोमीटर, मेरे पास क्या होगी,
बेस वैल्यू होगी। अगर रिंग रेजिड्यू देखूंगा मैं तो रिंग रेजिड्यू कितने हैं, ये डबल बॉन्ड के बाद ये वाला सिंगल बॉन्ड और ये वाला सिंगल बॉन्ड, दोनों को तोड़ूंगा मैं तो कंजुगेटेड सिस्टम मेरे को मिल जाएगा। तो रिंग रेजिड्यू कितने हैं मेरे पास, दो, तो दो गुणा पांच बराबर दस हो गया, रिंग रेजिड्यू हो गया। और रिंग रेजिड्यू और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक कौन सा है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है जो जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ब्लू वाले तो रिंग रेजिड्यू है, ये क्या है, एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि ये डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है। एक्सो के लिए कितना कंट्रीब्यूशन, पाँच का कंट्रीब्यूशन, तो टोटल कितना हो गया है, 215 और 225 और 5 कितना हो गया, 230 नैनोमीटर। तो इसका आंसर कितना है, 230 नैनोमीटर, 230 नैनोमीटर। अब देखो तीसरा सवाल, अब मैं कुछ कुछ सवाल करा रहा हूँ आपको, तीसरा सवाल जो है उसको देखो, कुछ इस तरीके का सिस्टम है। ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम में देखेंगे तो ये क्या है, ये क्या है, हेट्रोएनुलर, हेट्रोएनुलर है, हेट्रो दोनों दोनों जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग से कनेक्ट है। हेट्रोएनुलर बेस वैल्यू कितनी हो गई, 215 नैनोमीटर। दोनों देखो, ये डबल बॉन्ड जो है ये एक एक रिंग से कनेक्ट है, ये वाला डबल बॉन्ड दूसरी रिंग से कनेक्ट है, तो हेट्रोएनुलर हो गया, तो 215 नैनोमीटर उसकी बेस वैल्यू हो गई। अब देखो रिंग रेजिड्यू, देखो इस डबल बॉन्ड के बगल वाले ये डबल बॉन्ड हो गया एक, जिसको तोड़ने पे भी मुझे कंजुगेशन में एक, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल, देखिए मेरे को रिंग रेजिड्यू देखनी है, रिंग रेजिड्यू कितनी है यहाँ पे, चार, एक के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है, पांच, डबल बॉन्ड के बाद वाला सिंगल बॉन्ड, एक एक दो तीसरा और चौथा, जिसको तोड़ने पे कंजुगेटेड सिस्टम कंजुगेशन का कंजुगेटेड सिस्टम मिल जाए मुझे। तो देखिए अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो कितना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो एक ये हो गया मेरा रिंग रेजिड्यू हो गया। अब अगर मैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को हूँ तो वो कितने होंगे, ये डबल बॉन्ड, ये रिंग है, रिंग से बाहर एक डबल बॉन्ड है, तो रिंग से बाहर वाला डबल बॉन्ड क्या कहलाता था मेरा, एक्सोसाइक्लिक, एक एक्सोसाइक्लिक ये है और एक एक्सोसाइक्लिक ये है, ये दूसरा एक्सोसाइक्लिक ये है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ये भी क्या है, रिंग से बाहर है। और एक एक्सोसाइक्लिक के लिए कितने का कंट्रीब्यूशन, पांच का कंट्रीब्यूशन, तो दो के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 5, तो ये इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा चौथा सवाल ऐड तो कर ही सकते हैं, चौथा सवाल, चौथे सवाल में स्ट्रक्चर है, चौथा सवाल स्ट्रक्चर देखो, चौथा सवाल ये कुछ इस तरीके का चौथा सवाल है, ये और ये ठीक। अब देखिए ये कैसा सिस्टम है, दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है, तो 215 तो बेस वैल्यू हो गई, 215 क्योंकि हेट्रोएनुलर है, ये डबल बॉन्ड किस में है, अलग अलग रिंग में है, रिंग में, तो 215 बेस वैल्यू हो गई। अगर मुझे बोला जाए कि इसमें रिंग रेजिड्यू कितनी है, अगर क्या देखना हो, रिंग रेजिड्यू देखना है, डबल बॉन्ड वाला बाद वाला सिंगल बॉन्ड एक, इस डबल बॉन्ड के बाद वाला सिंगल बॉन्ड ये, इस डबल बॉन्ड के बाद ये डबल बॉन्ड के बाद आपका इस डबल बॉन्ड के बाद आपके एक ही हो गया दो और तीसरा और चौथा, रिंग रेजिड्यू कितने हो गए, चार, चार एक के लिए कितने का कंट्रीब्यूशन, पांच का, चार के लिए कितना हो जाएगा, 20 का। देखो डबल बॉन्ड के बाद वाला सिंगल बॉन्ड रिंग रेजिड्यू कहलाता, अगर उसको तोड़ने पे कंजुगेटेड सिस्टम, आपको कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड सिस्टम अलग अलग हो रहा हूँ, तो कितने होंगे, 215 बेस वैल्यू, रिंग कितने, रेजिड्यू कितने हैं इसमें, चार। अब एक्सोसाइक्लिक कितने हैं, एक्सोसाइक्लिक है मेरे पास दो, कौन कौन से, अब देखो रेड, इसको ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस ए रिंग बी रिंग है, ये ए रिंग के लिए ये डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है, तो इसीलिए पांच उसमें जुड़ जाएंगे इंक्रीमेंट, और ये बी रिंग का के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो रिंग से बाहर है, तो एक्सोसाइक्लिक कितने होंगे, दो, दो, एक के लिए कंट्रीब्यूशन कितने, पांच का, तो दो के लिए 10 का, तो इसको टोटल ऐड करेंगे वो आपके पास आ जाएगा। अब पांचवा सवाल अब लेवल बढ़ाते हैं जरा, पांचवा सवाल में दो है, दो रिंग है मेरे पास,
पहली रिंग और दूसरी रिंग। पहली रिंग में क्या है, यहाँ पे ओ सी एच थ्री है और यहाँ पे है मेरा ओ सी एच थ्री, यहाँ पे और ये और ये। ठीक, तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, फिर से कितना हो जाएगा ये, ये और ये, ये और ये। ठीक, ये है, इस कंपाउंड के लिए निकालना है। देखिए तीन डबल मोड़ है मेरे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो बेस वैल्यू तो हो गई मेरे पास 253 नैनोमीटर, क्योंकि ये कैसा सिस्टम है, होमो एनुलर है, दोनों डबल मोड़ एक ही के अंदर है, तो बेस वैल्यू कितनी हो गई 253 नैनोमीटर हो गया। अब ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन को बढ़ा रहा है, देखो कैसे, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, देखो डबल सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, कंजुगेशन को बढ़ा रहा है, तो वो कितना जोड़ेगा, प्लस 30 कर देगा। अब मुझे क्या देखनी है, रिंग रेजिड्यू देखनी है, रिंग रेजिड्यू कितना है, अब रिंग रेजिड्यू को देखो, रिंग रेजिड्यू एक, ठीक है, दो तीन और एक दो तीन, यहाँ पे ये नहीं होगी, ये हो गया दूसरा तीसरा, तीन रिंग रेजिड्यू हो गई, 15 तीन रिंग रेजिड्यू की वजह से हो गए 200 रिंग रेजिड्यू, कितनी होनी चाहिए, एक दो चार रिंग रेजिड्यू, चार रिंग रेजिड्यू का कितना हो गया 20 ऐड हो गया, इन सब को ऐड करके देख लीजिए, वो जितना भी आ रहा होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और अब एक आखिरी सवाल करते हैं, आखिरी सवाल करते हैं लेकिन उसका लेवल बढ़ा देते हैं, छठवां सवाल है, उसमें तीन रिंग है मेरे पास, ऐसे सवाल आप ट्राई कीजिए एक बार खुद से करने के, कॉन्सेप्ट लगाइए, ये हो गया CH3COO H CH CH3 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 और आपके पास ये और ये। तो सबसे पहले देखिए ये कैसा सिस्टम है, होमो एनुलर सिस्टम है, 253 तो इसका क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर है। ठीक, अब देखो तुम रिंग रेजिड्यू एक और दो, तो यहाँ पे रिंग रेजिड्यू कितनी है मेरी, एक दो, दो तो रिंग रेजिड्यू, इसके अलावा आपके पास रिंग रेजिड्यू कितनी है, 2 × 5 रिंग रेजिड्यू एक डबल बॉन्ड के बाद वाला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कंजुगेशन खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे नहीं तोड़ सकता। और मेरे पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, एक, इसको रेड से शो करता हूँ, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एक और दो, और एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितना देता है, प्लस 5 देता है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, इसको ऐड कर दीजिए, जितना भी आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं।